सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द फिफ्थ एपिसोड ऑफ द गॉड ऑफ हाई स्कूल। तो एपिसोड के 4 के रिव्यू को डालने के बाद मुझे काफी ज्यादा डीएम आए और बहुत लोग मुझसे ये कह रहे थे कि एपिसोड 4 काफी ज्यादा इलॉजिकल और बकवास था। और इस चीज से मैं एग्री करता हूँ कि लास्ट एपिसोड थोड़ा ज्यादा फास्ट पेस हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरा एपिसोड ही बकवास था। बट फिर भी ठीक है कि हर बंदे के डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, तो इट्स वेल एंड गुड। तो अब बात करते हैं इस यानी कि फिफ्थ एपिसोड के बारे में। ये एपिसोड डार्क होने ही वाला था, क्योंकि इस चीज का जो साइन है वो हमें पिछले एपिसोड के लास्ट 5 मिनट में दिख गया था। और ये एपिसोड डार्क होने के साथ साथ काफी ज्यादा एक्शन से भरा हुआ था, क्योंकि इसके अंदर इन लोगों ने कवर किया है सियोल सिटी के फाइनल राउंड को, जो कि ऑब्वियसली हैन भैया और जिन मोरे के बीच में होना ही था। और हम लोगों ने जो फाइनल फाइट देखी वो इंडीड इस शो की बेस्ट फाइट थी, और अभी तक हम लोगों ने जितनी भी फाइट्स देखी हैं उनमें से ये सबसे बेस्ट होनी भी चाहिए थी। तो हाँ, जो लोग नाराज थे पिछले एपिसोड को देख के, वो शायद इस एपिसोड को देख के खुश हुए होंगे। और भले ही ये शो थोड़ा सा ज्यादा फास्ट पेस्ड है, बट आई थिंक अगर आप ध्यान से देखो तो ये शो एक्चुअली में सारे कैरेक्टर्स का फ्लैशबैक आपको प्रॉपर्ली दिखा रहा है, क्योंकि बाकी शोनन एनीमे जैसे कि नारुतो आपको एक ही फ्लैशबैक कम से कम 15 से 20 बार दिखाते हैं, जो कि उस फ्लैशबैक को देखने में एक्चुअली में अनोइंग बनाती है। तो हाँ, अगर हमें एक ही बार इन कैरेक्टर्स का फ्लैशबैक देखने को मिल रहा है, सो आई थिंक इवन इफ इट इज नॉट इनफ, पर वो अनोइंग तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये एपिसोड बहुत ज्यादा रिवीलिंग नहीं था, बट ओवरऑल ये एपिसोड भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो हाँ, ये था मेरा ओपिनियन इस एपिसोड को लेकर। और अब चलते हैं हमारे स्टोरी डिस्कशन की तरफ। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है विद अ फ्लैशबैक ऑफ हान भैया, और ये सारी चीजें हान भैया सोच रहे हैं एक बाथरूम में बैठ के, और उनके दिमाग में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजें चल रही हैं, खासकर यू मीरा के मैच के बाद। फिर हम देखते हैं कि सेमीफाइनल का सेकंड मैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि है जिन मोरी और ब्राजीलियन फाइटर के बीच में, एंड जिन मोरी उस मैच को बहुत ही आसानी से जीत लेता है। फिर हम देखते हैं कि यू मीरा जो पिछले मैच के बाद बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थी, उसको ट्रीट किया जा रहा है विद द नैनो टेक्नोलॉजी, जो कि गॉड ऑफ हाई स्कूल की अथॉरिटी है वो ओन करती है। और हमें पहले एपिसोड में भी दिखाया गया था कि वो टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा इफेक्टिव और फास्ट है। और थोड़े बहुत छोटे मोटे सीन्स के बाद आ जाता है द डे ऑफ द फाइनल मैच, जो कि है बिटवीन जिन मोरी एंड हैन भैया। एंड ऑब्वियसली जिस तरह से इन लोगों का कैरेक्टर दिखाया गया था, इन दोनों कैरेक्टर्स को फाइनल में होना ही चाहिए था। फिर इन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है, और दोनों की फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस चल रही है, और दोनों ही इक्वली और कितने ज्यादा पावरफुल है आप ये देख पाओगे इस फाइट में। और जिन मोरी भी पिछले मैच के बाद काफी ज्यादा नाराज हैन भैया से, और वो भी काफी सीरियस मूड में है। तभी इन दीदी को एक कॉल आता है, और पता चलता है कि हैन भैया का जो दोस्त था वो एक्चुअली में मर चुका है, और ये वही आदमी है जिसके लिए हैन भैया इस टूर्नामेंट में कम्पीट कर रहे थे। और आपको इन दोनों की फाइट में काफी ज्यादा ऐसे सीन्स दिखेंगे जिसके अंदर ऐसे ग्राफिक्स यूज हुए हैं, ताकि वो आपको बता सके कि उनकी पावर की इंटेंसिटी क्या है। इसका मतलब यह है कि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, बस आपको विजुअलाइज करवाने के लिए ऐसा एनिमेशन किया गया है। और फिर एक फ्लैशबैक सीन आता है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि हैन भैया और पार्क मुजिन कुछ बात कर रहे हैं, जिसमें पार्क मुजिन बोल रहा है कि मैं तुम्हारे दोस्त को उस नैनो टेक्नोलॉजी से ट्रीट करवा दूंगा, बट तुम्हें सेमीफाइनल और फाइनल में जीतना पड़ेगा एक बहुत ही अच्छे मार्जिन से। और इस डील के बाद आप देख सकते हो कि हैन भैया एक्चुअली में कितनी ब्रूटली फाइट कर रहे हैं, और इस मोमेंट पे हैन भैया डोमिनेट कर रहे होते हैं। पर तभी रिंग के पास पार्क मुजिन आता है, और हैन को बताता है कि उसका दोस्त एक्चुअली में मर चुका है। और ये सुनने के बाद हैन भैया अपना कॉन्फिडेंस एकदम से लूज कर देते हैं, और वो एकदम बेहोशी वाली स्टेट में आ जाते हैं। पर तभी अरीना में आती है यू मीरा एक लेटर लेके, जो कि उसी फ्रेंड की तरफ से है हैन भैया के लिए। और उस लेटर में कुछ ऐसी चीजें लिखी होती हैं जिसको पढ़कर आपको खुशी भी होगी, और आपको थोड़ा बहुत बुरा भी लगेगा हैन भैया के लिए। और हमारे दोनों कैरेक्टर्स अपनी पावर्स का पूरा यूटिलाइजेशन करने के बाद फाइनली जिन मोरी इस मैच को जीत जाता है, और जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हमारे मेन कैरेक्टर्स के बीच में हुई थी वो एंडिंग तक आते आते सॉल्व हो जाती है। जिसका मतलब है कि सियोल सिटी में से सिलेक्ट हो चुका है जिन मोरी, जो कि अब कम्पीट करेगा इन द नेशनल्स ऑफ द गॉड ऑफ हाई स्कूल। और इस एपिसोड के एंड में हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि एक पार्टिसिपेंट है इस कॉम्पिटिशन का, और वो भी कम्पीट करेगा नेशनल्स में। और ऐसे ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। So thank you guys for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, then you know the drill. Hit the like button and subscribe to my channel. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो, and don't forget to follow me on Instagram @vinetoscope08.